खुश आमदीद। इस वीडियो में आपसे इस्लामी जनरल नॉलेज के सवालात पूछे जाएंगे, तो चलिए वीडियो का आगाज करते हैं। सवाल नंबर एक, कौमे समूद के कौन से लोगों ने हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की नबुवत पर ईमान लाया? आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए नेक लोग, ऑप्शन बी अमीर लोग, ऑप्शन सी दरमियाने तबके के लोग, ऑप्शन डी गरीब लोग। दुरुस्त जवाब है ऑप्शन डी गरीब लोग। सवाल नंबर दो, हजरत आदम अली इस्लाम को हाबील के मरने की खबर किसने दी? आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए हजरत जिब्राइल अली इस्लाम ने, ऑप्शन बी काबिल ने, ऑप्शन सी हजरत शीश अली इस्लाम ने, ऑप्शन डी हजरत मीकाईल अलैहिस्सलाम। दुरुस्त जवाब है ऑप्शन ए हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम। सवाल नंबर तीन, दुनिया का पहला हज किसने किया? आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए हजरत आदम अलैहिस्सलाम, ऑप्शन बी अम्मा हवा, ऑप्शन सी अम्मा हवा और हजरत आदम अलैहिस्सलाम, ऑप्शन डी हजरत शीश अलैहिस्सलाम। दुरुस्त जवाब है अम्मा हवा और हजरत आदम अलैहिस्सलाम। सवाल नंबर चार, किस सूरत में हजरत आदम अलैहिस्सलाम का जिक्र सबसे ज्यादा बार आया है? आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए सूरह बकरा, ऑप्शन बी सूरह निसा, ऑप्शन सी सूरह आराफ, ऑप्शन डी सूरह नमल। दुरुस्त जवाब है ऑप्शन सी सूरह आराफ। सवाल नंबर पांच, वादा पूरा करने का हुक्म किस सूरत में आया है? आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए सूरह मायदा, ऑप्शन बी सूरह तौबा, ऑप्शन सी सूरह अनकबूत, ऑप्शन डी सूरह ताहा। दुरुस्त जवाब है ऑप्शन ए सूरह मायदा। सवाल नंबर छः, हिजरत के वक्त हबशा के बादशाह का नाम क्या था? आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए असामा, ऑप्शन बी नजाशी, ऑप्शन सी खुसरो परवेज, ऑप्शन डी आकिल। दुरुस्त जवाब है ऑप्शन ए असामा। सवाल नंबर सात, जंगे सफैन में दोनों तरफ से कितने मुसलमान मारे गए? आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए 40,000, ऑप्शन बी 50,000, ऑप्शन सी 60,000, ऑप्शन डी 70,000। दुरुस्त जवाब है ऑप्शन डी 70,000। सवाल नंबर आठ, जंगे उहद में मुसलमानों का नारा क्या था? आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए ला इलाहा इल्लल्लाह, ऑप्शन बी मोहम्मद रसूलुल्लाह, ऑप्शन सी पाक इस्लाम जिंदाबाद, ऑप्शन डी मारो मारो। दुरुस्त जवाब है ऑप्शन डी मारो मारो। सवाल नंबर नौ, सूरह इब्राहिम में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का जिक्र कितनी मर्तबा आया है? आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए एक मर्तबा, ऑप्शन बी दो मर्तबा, ऑप्शन सी तीन मर्तबा, ऑप्शन डी चार मर्तबा। दुरुस्त जवाब है ऑप्शन ए एक मर्तबा। सवाल नंबर दस, इब्राहिमा का मजहब कौन सा था? आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए यहूदियत, ऑप्शन बी ईसाइयत, ऑप्शन डी हिंदू मत,
ऑप्शन डी बुद्ध मत। दुरुस्त जवाब है ऑप्शन ए ईसाइत। सवाल नंबर 11, हजरत लूत अली इस्लाम की कौम पर किस वक्त आजाब आया? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए रात के वक्त, ऑप्शन बी सुबह के वक्त, ऑप्शन सी दोपहर के वक्त, ऑप्शन डी शाम के वक्त। दुरुस्त जवाब है ऑप्शन बी सुबह के वक्त। सवाल नंबर 12, वो कौन सा फल है जिसमें जहर होता है और बच्चे शौक से खाते हैं? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए अनानास, ऑप्शन बी नाशपाती, ऑप्शन सी अंगूर, ऑप्शन डी सेब। दुरुस्त जवाब है ऑप्शन डी सेब। सवाल नंबर 13, नमाज इशा का हुक्म कुरान मजीद की किस सूरत में आया है? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए सूरह बकरा, ऑप्शन बी सूरह आल इमरान, ऑप्शन सी सूरह हूद, ऑप्शन डी सूरह मुनाफिकून। दुरुस्त जवाब है ऑप्शन सी सूरह हूद। सवाल नंबर 14, अरब में बरसाती नालों को क्या नाम दिया जाता है? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए सबील, ऑप्शन सी लहद, ऑप्शन डी महद, ऑप्शन डी मालूम नहीं। दुरुस्त जवाब है ऑप्शन ए सबील। सवाल नंबर 15, किस पैगंबर को मदनियत का बानी कहा जाता है? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, ऑप्शन बी हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम, ऑप्शन सी हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम, ऑप्शन डी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम। दुरुस्त जवाब है ऑप्शन सी हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम। सवाल नंबर 16, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के सके भाई का नाम क्या था? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए बनियामीन, ऑप्शन बी ताहिर, ऑप्शन बी तैयब, ऑप्शन सी मेहरान। दुरुस्त जवाब है ऑप्शन ए बनियामीन। वीडियो को आखिर तक देखने का शुक्रिया। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो बआसानी मिल सके। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।